गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं इस बीच। एक आदमी पकड़ ले, कोई कोई छोटा छोटे साइज का पकड़ दे, छोटे साइज का पकड़ दे। रोल सर, बीजेपी ने फॉल आउट किया है पीडीपी सरकार से, और जो तर्क दिए गए, रीजन बताए गए राम माधव की तरफ से, उसको किस तरह? मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकार ने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती स्वीकार की, और ये 3 साल बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में बुरी तरह असफल हुए, और इन 3.25 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक पटड़ी पर, राजनीतिक पटड़ी पर, डेवलपमेंट की पटड़ी पर कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जब जब हमारी सरकार रही, हम लोगों ने आतंकवाद को ख़त्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन तीन वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज़ में, वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, अपनी नाकामी से नहीं भाग सकती, और जो उन्होंने गलती की थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2015 के शायद मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसी हफ्ते में इनकी सरकार बनी मुफ्ती साहब के साथ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना रहे हैं, ये हमालिया जैसी गलती होगी, हमालियन गलती होगी, और हम प्रूव साबित हुए कि वो हमालियन गलती थी। और एक तजर्बा इन्होंने किया, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था, कश्मीर का जुग्राफिया, हिस्ट्री का इनका और लेना देना कोई था नहीं, क्योंकि पूरा उम्र भर इन्होंने कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके तो अपनी पार्टी बनाई थी, और फिर वहीं 70 साल के बाद सरकार चलाना चाहते थे, जो कि एक असंभव चीज़ थी। अब जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ, इस तबाही और बर्बादी से तो जम्मू कश्मीर के लोग बच गए, जिस तबाही का शिकार पिछले 3.25 साल से जम्मू कश्मीर के लोग हुए थे। नो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी गवर्नमेंट विद पीडीपी, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रीजन की बात की है कि दो रीजन को तवज्जो मिल रही थी, एक रीजन को नहीं मिल रही थी, इस तरह का बयान, ये सब बहाने हैं। जब नाकामी हुई इनकी, पैसे खूब कमाए, करप्शन खूब किया, डट के करोड़ों रुपए कमाए, एक एक ट्रांसफर के कितने कितने पैसे लेते थे, पैसा कमा लिया और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया,
और आप बहाने बनाते हैं बीजेपी। ये टोटल फेलियर, टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी शुड बी सिक्योरली हेड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल आई होल्ड द पीडीपी गवर्नमेंट, पीडीपी लीडरशिप फॉर दिस रिस्पॉन्सिबल। बट द भारतीय जनता पार्टी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई नो लेस देन द Prime Minister of India to have a government, because we had approached the PDP. I had approached, and I'm very happy that Umar Saab seconded that proposal of having a greater alliance of PDP, National Conference and Congress. And both Umar Saab and I assured on behalf of the party they will be, we will support Mufti Saab for full term, but let them keep away and keep off from the BJP. But it was on the instance of Honorable Prime Minister, whose party, I won't say that he himself, but directly, indirectly, their local government was threatened that they will not get the full assistance, full support from the BJP, should they go for some other alternative. And they compelled the regional party to have an alliance with the BJP. And I had cautioned Honorable Prime Minister on the floor of the House in the first week, or maybe the second week of March 2015. I had cautioned Honorable Prime Minister, should you form a government in alliance with the PDP in Jammu Kashmir, you will be committing a Himalayan blunder, which they laughed with. And today, I have been proved right that they had done a Himalayan blunder by having a coalition government with regional party in Jammu Kashmir. The regional parties should have been left to themselves. They should have been given a choice to form a government. They could have selected their own partner, but which the BJP government at the national level did not allow. ये है ABP News, आपको रखे आगे।